कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका। इस बीच अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिगड़ते हालात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ लिया। ओबामा ने ट्रंप के रवैये को अराजक आपदा बताया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बराक ओबामा का ट्रंप पर निशाना साधने वाला एक कॉल लीक हो गया। ओबामा वेब कॉल में अपने प्रशासन के कुछ पूर्व सहयोगियों को संबोधित कर रहे थे। इस मीटिंग में ओबामा ने लोगों से अपील की कि वह राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट के संभावित उम्मीदवार जो बिडेन का साथ दें। दरअसल ओबामा ने ओबामा अलुमनाई एसोसिएशन से संबंधित करीब 300 लोगों से बातचीत की। इन सभी लोगों ने ओबामा के कार्यकाल में काम किया था। इस दौरान ओबामा ने लोगों से वर्तमान परिदृश्य और आने वाले चुनाव के बारे में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में अपनी बात भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल के जरिए उन्होंने अपने पूर्व सहयोगियों से कहा है कि आने वाले चुनाव हर स्तर पर काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ एक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम लंबे समय तक चलने वाले स्वार्थी होने, दूसरों को दुश्मन की तरह देखने, आपस में बटे होने और अराजक होने के ट्रेंड के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबामा ने कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ हमारा जवाब निराशाजनक और ठंडा है। इस मानसिकता के साथ ये काफ़ी अराजक आपदा जैसा हो गया। इस कॉल में बराक ओबामा ने कहा कि आने वाले चुनाव में वो जो बिडेन के लिए प्रचार भी करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ओबामा का ये वेब कॉल याहू न्यूज़ के हवाले से प्राप्त हुआ। इसमें ओबामा ने अपने पूर्व सहयोगियों से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। वे उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चुनावों के लिए एकजुट कर रहे हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। और जब बराक ओबामा ने जो बिडेन का साथ खुलकर देने का ऐलान कर दिया है तो जो बिडेन के इस बार के कयास टक्कर के हैं। बराक ओबामा का इस तरह डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते। कई बार ट्रंप ने ओबामा पर तंज भी कसा, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच काफ़ी लंबे समय से जुबानी जंग जारी रही, और अब जब दोनों अगले चुनाव में आमने सामने होंगे तो टक्कर दिलचस्प होगी। इधर कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ रोज़ाना औसतन 1,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं और मृतकों की संख्या अब तक 78,000 के पार पहुँच चुकी है, और यह आंकड़ा अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।